आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को वर्चुअली संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सम्मेलन की थीम हमारी आकांक्षा का भविष्य और आवश्यकता के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षवाद के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि और प्रभावी बहुपक्षीय प्रयासों से कोविड संकट से निपटना है। आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के इस संबोधन का सीधा प्रसारण किया जाएगा, इसलिए हमारा शाम 7:10 पर प्रसारित होने वाला समाचार बुलेटिन आज शाम 6:15 से प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के मिंटो हॉल से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की। ये योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर तैयार की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों के खातों में ऑनलाइन राशि जमा की। इस योजना से 77 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.5 एकड़ तक के किसान संबल योजना में आते हैं। इन किसानों के बेटे बेटी पढ़ाई करते हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत मध्य प्रदेश में कृषि अधोसंरचना के लिए 7,500 करोड़ की राशि मिलेगी। हम चाहते हैं कि इसके तहत जो भी अधोसंरचना बनाई जाए उसे किसानों के बेटे बेटी या किसान उत्पादक संघ ही बनाए। श्री चौहान ने इस मौके पर किसानों से सीधा संवाद भी किया। कार्यक्रम में किसानों के लिए सीमांक ऐप का शुभारम्भ भी किया गया। ग्वालियर और चंबल संभाग के किसानों की आय बढ़ाने के लिए शीघ्र ही मुरैना सहित भिंड, शिवपुरी और श्योपुर को राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जोड़ा जाएगा। ये जानकारी आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना के नूराबाद उद्यानिकी परिसर में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र के भूमि पूजन के दौरान दी। आज मुरैना में हॉर्टिकल्चर का एक्सीलेंस सेंटर जिसकी लागत 10 करोड़ रुपया है, इजराइल सरकार के साथ मिलकर इस सेंटर का निर्माण हम करने जा रहे हैं। इस सेंटर में प्रतिवर्ष 2000 किसानों का ट्रेनिंग होगा और इस ट्रेनिंग के पश्चात जो किसान हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम करेंगे वो मुरैना जिले में भी एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ाएंगे और देश की ग्रोथ को बढ़ाने में भी योगदान देंगे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर हम बापू की प्रदेश यात्राओं से जुड़े जाने अनजाने किस्सों को सुनाएंगे। आज शुरुआत छिंदवाड़ा शहर में मिले चांदी के पानदान से। इस पानदान को खरीदने वाले स्वर्गीय राम त्रिवेदी की पोती सोनल त्रिवेदी ने भी अपनी यादें साझा की। देश से छुआछूत का भेद मिटाने और लोगों के बीच सामाजिक समानता के भाव को अंगीकार करने बापू ने पूरे देश की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान 29 नवंबर 1933 को छिंदवाड़ा आए थे। यहां बुधवारी बाजार के छितिया बाई के बाड़े में एक सभा के दौरान उन्हें चांदी का पानदान प्रदान किया गया था। सादा जीवन और उच्च विचार में यकीन रखने वाले बापू के लिए चांदी का पानदान क्या काम का, सो उन्होंने घोषणा कर दी कि ये पानदान बेचकर उस पैसे को आजादी के आंदोलन में लगाएंगे। अब उस समय उसकी बोली कुछ 11-12 रुपए आई, इसलिए उन्होंने कहा इतने कम में बेचने से तो कोई मतलब नहीं है। फिर किसी ने उनको सलाह दी कि आप वेदी साहब के हैं, जो मेरे दादाजी हैं, दादाजी थे, उनके यहाँ चले जाइए, वहाँ आपको इसका सही मूल्य प्राप्त होगा। तो वो दूसरे दिन हमारे घर आए, दादाजी ने फिर उन वो 501 रुपए में उस जमाने में खरीदी थी। बापू जहाँ भी गए उन्होंने लोगों को छुआछूत जात पात के ऊपर उठकर देश की आजादी के लिए काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन जिले में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,20,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं इनमें से अब तक 93,238 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह सक्रिय प्रकरणों की संख्या 22,000 के आसपास बनी हुई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए होशंगाबाद जिले में बिना मास्क के निकलने वाले लोगों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए सागर जिले में पंचगव्य से फसलों को सुरक्षित बनाकर पैदावार बेहतर बनाने वाले प्रधान आरक्षक के प्रयासों पर खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।